तो कैसे आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो टुडे आई एम हियर विद अनदर वीडियो एंड अनदर प्रोडक्ट दैट इज इन लाइफ मील रिप्लेसमेंट शेक फॉर वेट मैनेजमेंट। इट इज अ न्यूट्रिशनल मील प्रोटीन शेक एंड दैट इज ऑब्वियसली शुगर फ्री। इफ आई टॉक अबाउट इट्स इंग्रेडिएंट्स, इसमें वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, सोया प्रोटीन आइसोलेट, ओट्स, फ्लैक्स सीड्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये इसको खास बनाता है। एंड इट इज एनरिच्ड विद आयुर्वेदिक हर्ब्स लाइक ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट दैट फाइट्स क्रेविंग एंड हेल्प्स इन वेट मैनेजमेंट। तो ये वेट मैनेजमेंट और अपनी जो आपकी क्रेविंग्स होती है उनको भी मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है। एंड ऑब्वियसली देयर इज नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स एंड नो ग्लूटेन, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड नो एनिमल एक्सट्रैक्ट। तो ये कुछ चीजें होती है जो इसको बहुत ज्यादा खास बनाती है। तो बात करूँ इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की, तो इसमें आपको प्रोटीन मिलेगा 11 ग्राम, कैलोरीज मिलेंगी 104 ग्राम और जो आपके कार्ब्स होंगे वो होंगे 13.5 ग्राम। तो आप अपने डाइट के अकॉर्डिंग आपको देख सकते हैं कि आपको ये सूट करता है या नहीं। बाकी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप बिल्कुल इसे ट्राई करके देखिए। तो मैं बात करूँ इसके डायरेक्शंस की कि आपको इसे यूज कैसे करना है। तो यू हैव टू टेक वन स्कूप ऑफ पाउडर एंड उसमें आपको 50 ml ऑफ स्किम मिल्क डालना है, फिर आपको बिल्कुल उसका पेस्ट बना लेना है। एंड फिर आपको 250 ऑफ ml मिल्क दोबारा डालना है, फिर आप बिल्कुल उसे मतलब मिक्स कर पाएंगे अच्छे से। तो उसकी यही डायरेक्शन है। तो गाइस मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो जो लम्स थे वो थोड़े थोड़े हट चुके हैं, तो अब मैं इसको 4 की रेटिंग दे सकता हूँ मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब इसके अंदर इतने लम्स नहीं बचे। क्या पता वो थिक पेस्ट था इसलिए वो लम्स रह गए थे। बारी आती है टेस्ट करने की, देखते हैं कैसा टेस्ट करता है। इसको 10 में से 7 या 8 की रेटिंग देना चाहूंगा, मतलब इससे थोड़ा बेटर हो सकता है, बाकी इट इज गुड, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट इट्स साइड इफेक्ट्स, तो इसमें साइड इफेक्ट्स ऐसे एज सच कुछ नहीं है, बस जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उसमें आपको अगर किसी भी चीज़ से एलर्जी है या आपको लगता है कि आपको ये नहीं लेना, जैसे कि सोया हो गया, वे प्रोटीन हो गया, तो अगर आपको इससे एलर्जी है तो ये आपके लिए सूटेबल नहीं हो सकता, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव्स में मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस, बट हाँ अगर आप बिल्कुल ही इंटेंस वर्कआउट करते हैं, हैवी वर्कआउट करते हैं, तो आपके पास और भी थोड़े बेटर ऑप्शंस हैं, बट अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया परफेक्ट ऑप्शन है। तो गाइस मैं बात करूँ इसकी प्राइसिंग की, तो आपको कुछ 700-800 के अप्रॉक्स मिल जाएगा, वो आपके ऑफर पे डिपेंड करेगा। एंड इफ यू वांट टू परचेज दिस विद सम स्पेशल डिस्काउंट और ऑफर, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और मेरा जो आप कोड लगा सकते हैं ऋत्विक5, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं, तो दिस इज वेरी गुड फॉर यू। तो आप इसे जरूर ट्राई करें। ऐसे ही रिव्यूज के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स आल्सो, अपने फ्रेंड्स को भी जाके शेयर करो यार, 4000 सब्सक्राइबर्स फाइनली हो चुके हैं, तो अगर आप शेयर करोगे तो और हेल्प मिलेगी मुझे इस रीच को बढ़ाने में। तो विल मीट यू इन अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।